शहर में चाकूबाजी जैसी घटनाएं अब जबलपुर पुलिस के लिए आम बात हो चली है। एक बार फिर जबलपुर में अपराधों का बड़ा ग्राफ। जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में देर रात 6 बटालियन SAF में पदस्थ प्लाटून कमांडर के बेटे की 4 युवकों ने चाकू से गोदकर सरेराह हत्या कर दी। रात करीब 11 के बीच SAF पेट्रोल पंप के सामने वारदात को अंजाम देकर चारों हमलावर भाग गए। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रांझी थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि 6वीं बटालियन SAF में प्लाटून कमांडर के पद पर पदस्थ नारायण बहादुर थापा का बेटा 30 वर्षीय रोहित थापा कल रात में अपने घर से गांधी व्यायाम शाला जाने के लिए निकला था। रात में करीब 10:30 से 11 के बीच SAF पेट्रोल पंप के सामने मामा किराने के पास उसे संजय थापा, अभिषेक बहादुर मनीष एवं सोनू शराब के नशे में मिले और गाली गलौज करने लगे। रोहित ने विरोध किया तो चारों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देकर चारों हमलावर फरार हो गए। वारदात के बाद किसी ने रोहित के भाई सुमित थापा को फोन करके रोहित पर हमले की जानकारी दी, जिसके बाद सुमित मौके पर पहुंचा और अपने दोस्तों की मदद से गंभीर रूप से घायल रोहित को उपचार के लिए अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए मृतक रोहित थापा के भाई सुमित थापा ने बताया है कि जब अपने भाई को कार से उपचार के लिए अस्पताल ले जा रहा था, तब रास्ते में गंभीर रूप से घायल रोहित ने बताया था कि वह घर से गांधी व्यायाम शाला जा रहा था और रास्ते में संजय थापा, अभिषेक बहादुर मनीष और सोनू ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा कि प्लाटून कमांडर के बेटे रोहित की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी भी पुलिस परिवार से जुड़े हुए हैं। चारों हमलावरों में से कुछ के पिता 6 बटालियन में ही पदस्थ हैं, जबकि कुछ के पिता रिटायर हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कल रांझी के पेट्रोल पंप के पास में एक झगड़ा हुआ है और वो झगड़ा संभवतः इस बात का हुआ है कि दिनांक 4/11 को जो आज की घटना का आरोपी है, इसके भाई के साथ मारपीट की थी दूसरे लोगों ने। इसी बात पर से कुछ उनको आपस में कुछ झगड़ा हुआ, गर्मा गर्मी हुई और उसमें से एक आरोपी ने उसकी जांघ पर चाकू मार दिया। तो ये पाया गया कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रखी वहाँ पे, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसकी मौत होना अभी प्रारंभिक जाँच से पता चला है। तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये है कि इनके ये आपस के भी जान पहचान के थे, दोनों मिलते रहते थे वहीं से, एक दूसरे एक साथ रहते हैं ये और वहीं इनका आना जाना है। तो तुरंत ही कुछ गर्मा गर्मी हुई है पुरानी एक इनकी मनमुटाव को लेकर के और उसकी फिर मृत्यु हो गई। ये बात में कितने आरोपी हैं इसमें? CCTV फुटेज से पाया गया कि 4 आरोपी हैं और ये चारों दोस्त थे और इसमें इस सब ने जो है अत्यधिक शराब का सेवन भी किया हुआ था और 4 आरोपी हमने रात को ही गिरफ्तार कर लिए। सर मृतक कौन है, क्या करते थे? इसमें जो मृतक है एक मिनट पूरा बता रहा हूँ, बंद कर लो जरा कैमरा, पूरा बता रहा हूँ। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।